यहाँ भी बहुत ज्यादा हुआ शोबाजी करने, पीछे लिखा हुआ 4X Explorer जो देखी है। बस 4X Explorer का ही फर्क दिखेगा, बाकी कोई फर्क नहीं, तो सब सेम ही है। किसी भी वेरिएंट पे इनके लिखा नहीं है कि वो Z8L Z8S कुछ नहीं, वेरिएंट लिख के नहीं देते ये लोग, वो तो आपको गैस करके लगाना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा था, हमारे आगे 4x4 गाड़ी थी थार, और वो बेचारा हम वो चाह रहा था हमारी गाड़ी आगे निकल जाए, फिर हमने अपनी गाड़ी साइड लगा। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई महिंद्रा XUV 3XO देखो आ गई है, लेकिन स्कॉर्पियो का रुतबा अभी भी खत्म नहीं हुआ, हम आज ही शोरूम से आ रहे हैं। 3XO ज्यादा स्कॉर्पियो पे भीड़ थी भाई, भाई स्कॉर्पियो का अलग से टीवी लगा के उसकी डिलीवरी दे रहे थे, उसकी डिलीवरी भी दे रहे थे वो वीडियो अच्छी खासी चलाते रहते हैं स्कॉर्पियो की, इनकी मतलब इनकी शोरूम की रानी है स्कॉर्पियो, महिंद्रा की शान है इस समय स्कॉर्पियो। तो भाई आज जो टॉपिक है हमारा स्कॉर्पियो को लेके, वो अब तक हमने कवर नहीं करा हुआ है भाई। अगर आप प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियो N देखो, तो आपको 4x4 लेनी चाहिए या 4x2 लेनी चाहिए, जो कि रियर व्हील ड्राइव हमारी वाली आती है। हमारी है Z8L पेट्रोल मैनुअल में, जो लोग नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है। तो हमने इस पे इसको स्कॉर्पियो को लेके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करे हुए हैं। रिसेंटली डीजल वर्सेस पेट्रोल का हमने बताया था, उसमें लोगों ने काफी अच्छा खासा प्यार दिया है, और लोगों को काफी मतलब मिला भी है सॉल्यूशन कि उन्हें डीजल लेनी चाहिए पेट्रोल लेनी चाहिए। आज टॉपिक है कि आपको 4x4 लेनी चाहिए या 4x2 लेनी चाहिए। वैसे तो 4x4 बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आज इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इससे पूछूंगा, इन्होंने भाई Z8L ली, ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरियंट है, तो भाई आपने 4x4 क्यों नहीं ली? वो एक वही बच गया भाई, मैं बताता हूँ। एक तो 4x4 डीजल में आती है, सबसे पहली बात मैं डीजल का फैन नहीं हूँ। बाई चांस अगर डीजल भी लेते तो 4x4 आप लेते या नहीं लेते? मैं 4x4 डीजल क्यों लूं जब मेरी 4x2 इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है भाई पहाड़ों पे। मेरी मुझे लगता ही नहीं कि जरूरत ही नहीं लगती तो एक तो, पर मैं ये मान रहा हूँ 4x2 में अगर हम पेट्रोल वाली में चला रहा हूँ जैसे, तो ये इसमें ये भी पावर पैक सिस्टम है पूरा, इसमें कोई कमी नहीं है, पावरफुल गाड़ी है बिल्कुल ये। तुम हम लोग साथ में गए हैं भाई पहाड़ों पे, कितनी अच्छे से निकल जाती तो है। आज तक 2 साल में आपको एक भी बार फील नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं 4x4 ले भाई? बिल्कुल 1% भी नहीं हुआ। मैं एक बार कीचड़ में फंस गई थी गाड़ी, ये मैं उसकी वीडियो हालांकि चाहता था बनाने की पर बना नहीं पाया था मॉनसून के टाइम। हाँ मॉनसून के टाइम पे बहुत मोटी कीचड़ में फंस गई थी, इसे थोड़ा एकदम मतलब व्हील स्पिन मार के एकदम धुड़ंत निकल गई एकदम, मतलब लोग पीछे हट गए सारे जो आसपास के लोग थे ना। तो एक तो बहुत अच्छी पावर पैक तो है उसका। फायदा ये भी है ना, ये रियर व्हील ड्राइव आती है, जो बाकी गाड़ी आती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव। अच्छी खासी कीचड़ में थी भाई वो, खेत सा एरिया था थोड़ा, मतलब अगर कोई और छोटी गाड़ी तो प्रॉब्लम हो जाती, वो फंस जाती भाई, वो ढस रही थी क्योंकि धीरे 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 धीरे। तो देखो भाई अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको 4x4 की कोई नीड नहीं। यहाँ तक कि पहाड़ों पे भी हम इसको भाई कहाँ तक ले गए हैं, डारचा तक लेके गए थे इस बार हम इसको, जो मनाली से भी आगे की लॉन्ग और शिशु पार्क करके डारचा, भाई 1% भी गाड़ी में नीड नहीं। स्नो में भी हमने चलाई है गाड़ी, ना ही हमने स्नो चैन लगाया ना ही हमने कुछ लगाया, 1% भी गाड़ी ने कहीं भी हमें दिक्कत नहीं हुई। तो ये है भाई आपको 4x4। हाँ अगर आप बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस टाइप हो भाई, आपको चुल्ली है कहते हैं ना चुल है, तो आप ले सकते हो भाई 4x4। ऐसा नहीं है कि हम यही कह रहे हैं कि 4x2 मोर कैपेबल है, नहीं ऐसा नहीं है, पर ये इनफ है, इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है कि आप 4x4 अगर 100% तो ये 90 पे है, तो उसमें आप क्यों पैसे वेस्ट करो, पैसे क्यों वेस्ट करो, जबकि हमारा फर्क अच्छा खासा, कितना फर्क आएगा भाई। अनलॉक करो मैं बताता हूँ। देखो भाई जो आपकी देखो 4x4 शुरू हो रहा है आपका Z4 से, Z4 डीजल जो वैसे पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है करीब करीब 15,95,000 की, और 4x4 पड़ रही है 18 लाख की। ये 3 लाख का फर्क आ रहा है, हाँ ढाई तीन, हाँ ढाई ढाई 3 लाख का फर्क आ ही रहा है, ऑन रोड 3 लाख का, ऑन रोड 3-3.5 लाख का फर्क आ जाएगा भाई। तो ये है देखो 3 लाख रुपए भाई मेरे हिसाब से, तो अगर एक आध बार के लिए कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि 4x4 आप नॉर्मल जिंदगी में अपना यूज नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे बिल्कुल, यूज की जरूरत भी नहीं होती उसकी वो। हाँ पर हाँ साल में कभी हमने अगर 10 साल गाड़ी चलाई उसमें 10 बार यूज कर लिया, उसके लिए 3 लाख रुपए खर्च करना भी नहीं हो पाएगा यार। मैं कह रहा हूँ एक ऑन एन एवरेज साल में एक बार बंदा 4x4 लगा ही देगा, तो भाई साल में नहीं 2 साल मतलब साल में 2 बार भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर 10 की जगह 20 बार भी लगा दिया तो एक बार का 50,000 का बैठा है तुम्हारा सारा अड़ंगा, 50,000 का 4x4 मारा है तुमने जितनी बार मारा है, जिसमें से भी हो सकता है कि 4x2 भी उतनी कैपेबल निकल जाए, निकल जाती ही है वो 90% निकल जाती है, 90% इज मोर देन। दूसरी चीज होती है अगर आपको और 4x2 में और ज्यादा गाड़ी कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो आप इसके टायर चेंज करा के ऑल टेरेन टायर्स ले लो, ये हमारे क्या हाईवे ट्रेन है तो कंपनी देती है
इसकी आप ऑल टेरेन जो मोटी गुट्टी वाला टायर आता है ना, वो और ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी और ज्यादा बढ़िया करता है ऑफ रोडिंग के मामले में। वहाँ आप थोड़ा सा कस्टमाइज करवा लो, पर वो एवरेज इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटी गुट्टी का टायर होता है वो, ऑल टेरेन टायर होता है वो, ऑफ रोडिंग में भी काम आएगा और आपका हाईवे भी काम आएगा। हाँ तो ये वो लग जाएगा तो फिर तो ये 4x2 और कामयाब और ज्यादा कैपेबल हो जाएगी। तो वहाँ पे आपके और बढ़िया, आपको ये भी नहीं रहेगा दिल में कि हाँ भाई एक गाड़ी की लुक बढ़ जाएगी ओवरऑल, और भाई गाड़ी भी बहुत प्यारी लगेगी। तो 4x4 इस मतलब इतनी वो नहीं, यहाँ भी बहुत ज्यादा हुआ शोबाजी करने, पीछे लिखा हुआ 4x4 जो दिखती है। बस 4x4 का ही फर्क दिखेगा, बाकी कोई फर्क नहीं तो सब सेम ही है। किसी भी वेरिएंट पे इनके लिखा नहीं है कि एक वो Z8L है, Z8S है, नहीं, कुछ नहीं वेरिएंट लिख के नहीं देते ये लोग, वो तो आपको गैस करके लगाना पड़ता है या फिर गाड़ी देख के क्या इसमें क्या क्या दिख रहा है क्या क्या नहीं दिख रहा ओवरऑल आउटर। बाकी बात करें अगर 4x2 में वैल्यू फॉर मनी की, तो हम पहले ही बता चुके Z8 सेलेक्ट इस समय बेस्ट है, सबसे बेस्ट है जो कि ऑफर कर रहा है कंपनी Z8 सेलेक्ट। आप बेस लेने 4Z2 Z4 वो हमारी बात अलग है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर फीचर वगैरह चाहिए तो Z8 सेलेक्ट ले लो आग बंद करके, वो उसमें सब कुछ आ जाएगा। मतलब आपने उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख लेना प्रॉपर वीडियो की Z8 सेलेक्ट क्यों है बेस्ट, सब हमने उसमें बताया हुआ, कंपेयर करा हुआ Z8 सेलेक्ट और Z8L को अपनी गाड़ी। हमारी जो है ये Z8L है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि हाँ क्यों ये अपने सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है। 4x2 4x4 इनकी इतनी मतलब वो नहीं लगती हमें, कि हम जब एक बार मनाली में गए थे तो हमारे आगे थार 4x4 चल रही थी, वहाँ पे थे सीथन सेथन में थे भाई, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग, वो 15,000 करीब ऊपर है, बहुत ऑफ रोडिंग थी, पूरी कीचड़ पूरा सब कीचड़ वीचड़ सब सुनो उसमें धसना, गाड़ी का असली टेस्ट तो वही होता है भाई। हाँ अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा आपकी गाड़ी का। तो वहाँ पे ऐसा था, हमारे आगे 4x4 गाड़ी थी थार, और वो बेचारा हम वो चाह रहा था हमारी गाड़ी आगे निकल जाए, फिर हमने अपनी गाड़ी साइड लगाई थी उसके आगे, आगे लगा के फिर हमने उसके आगे ले गए थे हम उससे, फिर वो हमारे पीछे पीछे चल रहा था। सोचो 4x4 वाला था वाला हमारे पीछे पीछे चल रहा है और हम आगे आगे लेके जा रहे हैं कि उसे लग रहा है कि पहले फंसेगी इनकी फंसेगी, जबकि हमारी तो फंसी, जबकि उसे आगे चलना चाहिए भाई क्योंकि उसकी 4x4 है, अगर उसकी फंसेगी उसकी नहीं फंसेगी वो हमें हेल्प भी कर सकता है, लेकिन वो भाई ने फिर आगे ले ली और थी नोएडा की गाड़ी थी। हाँ वो मतलब ना उसने भी हमारा नंबर देखा, हमने भी देखा, थोड़ी बातचीत हुई, कह रहा वो हमसे पूछा कि भाई 4x4 है ये, हमने कहा नहीं 4, कह रहा है 4x2 है, यहाँ तक आ गई भाई क्यों नहीं आएगी, कैपेबल गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव है, तो इसका बेनिफिट तो उसको मिलता ही है भाई। हाँ बिल्कुल, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि दब रही है 4x4 के आगे भाई, बहुत मक्खन चली थी भाई गाड़ी, और मैं मानता हूँ ये बर्फ में बहुत अच्छी चलती है भाई गाड़ी, पता ही नहीं लगता। एक तो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसे चलाता है गाड़ी, और अगर कोई बढ़िया ड्राइवर चलाएगा ना इस गाड़ी को तो भाई 4x2 बहुत कैपेबल है। देखो हम तो पूरे एडवेंचरस टाइम पे हम तो खींच खींच के ले गए थे वो गाड़ी को ऊपर तक, तो एक पॉइंट भी अंडर पावर तो का तो मतलब ही नहीं, और 4x2 में भी फील नहीं हुआ गाड़ी में कि कहीं भी स्लिप हो रही है या कहीं भी टायर व्हील स्पिन कर रहा है, गाड़ी कहीं भी हमें हल्का सा भी कुछ दिक्कत कर रही है। तो ये है कि आप 4x2 की तरफ ही जाओ, पैसे वेस्ट मत करो, हमारी राय तो यही है। अगर 1% हाँ आपके दिमाग में भाई बहुत बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवेंचरस करना तो आप ले सकते हैं, देखो अपने अभी अपने बजट की बात होती है बंदे की, वो हमने तो अपना सजेशन था, हमारी जो एक्सपीरियंस हमने फेस किया हमने वो आपको बता दिया। अब मैं 4x2 से पूरा सेटिस्फाइड हूं, मुझे 4x4 अभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मलाल रहता है मन में कि 21,000-22,000 चल गई है ऑलमोस्ट, अभी भी 1% भी ये नहीं है कि मैंने 4x4 क्यों नहीं ली, बस एक मलाल जरूर रहता हमें कि हमें ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, उसकी वीडियो सेपरेट आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ना अगर हम इसमें ऑटोमेटिक ले लेता तो ये फुल सेटिस्फाइड गाड़ी है, बस एक एवरेज और एक इसका मैनुअल में इससे फर्क जानो, बस इस वीडियो में इतना ही भाई। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हमें उम्मीद है कंफ्यूजन आपका हो गया हो क्लियर, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय जय श्री राम।